गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो शुरू करते हैं फिर आज की वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले सरमत गिल ब्रो को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी दबा लो ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे नमूनों की जिंदगी पे रोशनी डालेंगे, कुछ ऐसे नमूनों का डिस्कस करेंगे जिनका अल्लाह अल्लाह करके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। पहली बात तो ये, मेडिकल कॉलेज में जारी बात है आसानी से एडमिशन नहीं होता, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जिनका हो जाता है ना अल्लाह अल्लाह करके, वो ऐसे ऐसी उठपटांग नमूनों वाली हरकतें करते हैं ना अपने पहले 3-4 दिनों में कि आपको क्या बताऊं। अल्लाह अल्लाह करके तुम लोगों का एडमिशन हो गया है, तुम लोग पढ़ो जाके यूनिवर्सिटी में, मेहनत करो डॉक्टर बनो, लेकिन नहीं, इनको तो कुछ और ही सूझती है। अभी कॉलेज नहीं गए, अभी सिर्फ इनका एडमिशन हुआ है, एडमिशन सिर्फ, अभी कॉलेज का मुंह नहीं देखा, लेकिन अपने नाम के साथ सोशल मीडिया पर धूम मचा देंगे, टिकटॉक पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर डॉक्टर लगा देंगे अपने नाम से पहले भी। जैसे कार्डियो स्पेशलिस्ट होता है, पता नहीं 25 साल इसने सर्विस की हुई है, पता नहीं कितना स्पेशलिस्ट है, ऐसे नाम के साथ डॉक्टर लगाएंगे, नीचे नीचे ऐसी ऐसे ऐसे बायो में कैप्शन देंगे, डिस्क्रिप्शन लिखेंगे, पता नहीं इनसे बड़ा कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर है ही नहीं। अबे पढ़ लो, अभी पढ़ तो लो, अभी कॉलेज तो चले जाओ, फिर लिख लेना नाम के साथ डॉक्टर भी, लेकिन नहीं, फिर ये अल्लाह अल्लाह करके पहले दिन कॉलेज पहुंचते हैं। अभी कॉलेज नहीं जाते, पहले दिन जो कॉलेज जाने से पहले, इसको तो आप जानते होंगे ना, इस बेचारे को, इसको इसको कौन नहीं जानता, इसकी इतनी मिट्टी पलीत करते हैं ना, इतनी मिट्टी पलीत करते हैं। पहले दिन कॉलेज नहीं पहुंचते, घर से निकलेंगे, बस में इसे पहनना होगा, रोड पे इसे पहन के चलते होंगे, पहुंचेंगे कॉलेज, ले लेके तस्वीरें फेसबुक पर अपलोड करेंगे, शरीकों को आग लगाएंगे, यार तुम लोग पढ़ तो लो, पढ़ने आए हो तुम, ये फेसबुक पर इस वाइट कोट की तस्वीरें अपलोड करने आए होगे। कुछ नमूने तो ऐसे होते हैं जो इन्होंने गले में घर से निकलते ये स्टेथोस्कोप लटका लेते हैं। अबे पढ़ लो, अभी कॉलेज तो पहुंच जाओ, अभी तुमने पहली क्लास अटेंड नहीं किया, स्टेथोस्कोप लगा के तुम घर से निकल आए हो, हया करो, कुछ हया करो, अपने वालदैन का पैसा ना हराम करो, ठीक है ना। कुछ अच्छा, फिर कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं, अभी पहले दिन कॉलेज जाना होता है, पहली क्लास होती है, बैग में उनके बीपी अपरेटिस भी होता है, साथ में शुगर लेवल चेक करने वाली मशीन भी होती है। अबे पढ़ने जा रहे हो, क्लास लेने जा रहे हो या किसी वार्ड में जा रहे हो, लेकिन नहीं, इनको तो कुछ और ही सूझती है, कुछ भी। फिर ये क्लास में पहुंच तो जाते हैं, इनमें से कुछ ऐसे नमूने होते हैं जिन्होंने एफएससी में एमबीबीएस पढ़ लिया होता है, हर चीज का इलम इनके ही पास होता है, सर पढ़ा रहे होंगे ना, सर अगर स्कैपुला पढ़ा रहे हैं ब्रेन पे ले जाएंगे बात, अबे जो वो पढ़ा रहा है उसकी सुन ले, अपनी फिलोसफी ना झाड़ दरमियान में। फिर ये इतना जलील होते हैं सर के हाथों से, इतना जलील होते हैं क्या बताऊं आपको, कुछ ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंट, जिन्हें पता नहीं कैसी कैसी फिलोसफी पता होती है, अभी डॉक्टर्स एन के लगा कर जाते हैं, उनकी नज़र कमज़ोर होती है, इनकी नज़र ठीक भी हो ना वो ग्लासेस बनवाएंगे, पहुंच जाएंगे यूनिवर्सिटी। और कुछ को ऐसी ऐसी फिलोसफी पता होगी, उन्हें पता नहीं किसने उनके दिमाग में ये बातें घुसाई होती हैं, अभी डॉक्टर्स क्लीन शेव होते हैं, वो क्लीन शेव कर लेंगे, क्लीन शेव करके इतने मनहूस लगते हैं ना, इतने मनहूस लगते हैं, आपको क्या बताऊं। फिर जब वो यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं ना, उनकी शक्ल से, उनकी सूरत से, उनकी हरकत से पता चल जाता है इनका पहला दिन है, फिर वो इतना जलील होते हैं ना सीनियर के हाथों से, इतनी रैगिंग होती है ना उनकी, आपको क्या बताऊं। अबे पढ़ने आए हो, इस तरह की उठपटांग हरकतें नहीं करने आए, इस तरह की कोई हरकतें नहीं करता डॉक्टर, ठीक है ना, अभी पढ़ लो, अभी तुम डॉक्टर नहीं बने, अभी पढ़ोगे, मेहनत करोगे, फिर बनोगे। ढंडोरा पीट देते हैं हर जगह पे, डॉक्टर डॉक्टर फलाना डॉक्टर भी, यार कुछ भी यार, पता नहीं, समझ नहीं लगती, कुछ भी दिमाग खराब कर देते हैं ऐसे बंदे। पहुंच जाएंगे कॉलेज में, ऐसे लगेगा जैसे पता नहीं कोई वार्ड में मरीज चेक करना है। अभी पढ़ लो, अभी पढ़ लो, ठीक है ना, पढ़ाई पे तवज्जा दो, इस तरह के रखते हैं, अभी एमबीबीएस के बाद कर लेना ये स्टेथोस्कोप गले में लटका के, बाजारों में फिर लेना बाद में, अभी अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो, खुदा का खौफ करो, अपने माँ बाप का पैसा हलाल करो। फिर कुछ तो ऐसे नमूने होते हैं, उन्हें पता नहीं किसी ने बता दिया होता है, अभी एमबीबीएस कॉलेज में
बच्चियां बहुत सेट होती हैं। क्या फिलोसफी इनके जहन में होती है, वो पहुंच जाते हैं पढ़ाई पे नहीं तवज्जो देते, पूरा पहला सेमेस्टर किसी ना बच्चियों को ताड़ेंगे भी, यार वो मैं सेट करूंगा वो मैं सेट कर। अबे पढ़ने आए हो, बच्चियां सेट नहीं करने आए, तुम लोग पढ़ लो। पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जो किस्मत में ही वो मिल जाएगी तुम्हें नमूनो, पढ़ने पढ़ाई पे तवज्जा दो, ठीक है ना, अपनी पढ़ाई पे तवज्जा दो, फिर इस तरह की हरकतें कर लेना। पता तुम्हारे वालदे ने तुम पर कितना खर्चा किया है, पढ़ लो खुदा का नाम मानो। वीडियो को फिर करते हैं आज की को यहीं पे एंड, फिर मिलेंगे एक और फनी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो मैं आपके दिल की धड़कन चेक कर लूँ वीडियो एंड करने से पहले। अल्लाह हाफिज।